वेलकम दोस्तों, और बात करूंगा सुजलोन एनर्जी के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर मैं फंसा हुआ हूँ, क्या करना है। तो दोस्तों, कोई मैं एडवाइस वगैरह नहीं दे सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। डिस्क्लेमर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके अंदर मेरा जो व्यू है मैं वो शेयर कर रहा हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पज़, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। ये मंथली चार्ट है दोस्तों, तो उस हिसाब से देखना, ऐसे मत देखना कि डेली वाला, क्योंकि इसमें सर्किट वाला सिस्टम है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। सब चाह रहे हैं 100-200, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो देख के क्या क्या अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई करके बैठे हुए हैं। 40% से ऊपर की जो होल्डिंग है वो रिटेलर के पास है। तो दोस्तों, तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। देखिए, इसने अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एक कंसोलिडेशन किया यहाँ पर इसने अच्छा खासा, और उसका ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट पर है, और जो मुझे इसका टारगेट दिखता है दोस्तों, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस होने के बाद 100 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। तो 18.80 रुपये ये पहला टारगेट है इसका। सेकंड टारगेट दोस्तों 25 रुपये तक है, लेकिन ये आने में कम से कम एक साल का टाइम लगेगा जो मुझे लगता है। बट इसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ भी आ रही है, अगर कोई न्यूज आ गई और वो न्यूज़ चल गई अच्छी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा स्पीड जल्दी आ जाएगी। सर्किट वाला स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, तो 2-4 दिन ही लगातार सर्किट लगेगा तो काम हो जाएगा। अब करना क्या है, मैं अपना व्यू बताता हूँ दोस्तों। इसकी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो 8.25 रुपये पर आ रही है, जो असली सपोर्ट है इसके पास। और जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है पहला 18.80 रुपये, और टारगेट निकल के आ रहा है 25 रुपये एक साल का। तो ये हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, मीन्स 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में जब भी आए तो ये बाइंग जोन होगा। 8 रुपये से 10 के बीच में बाइंग जोन पे होगा ये, और 20 रुपये से 25 रुपये की रेंज में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। 25 रुपये से ऊपर जब ये क्लोज करना शुरू कर देगा, करेगा या नहीं वो किसी को नहीं पता, उसके बाद फर्दर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है जो 52 रुपये तक के टारगेट तक पहुँचा सकता है इसको। उसके लिए दोस्तों बहुत कुछ होना चाहिए, प्रमोटर को भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, बिजनेस भी, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेगी। मीन्स बहुत सारे फैक्टर हैं, FIIs की पास होल्डिंग है उनको भी होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो DIIs हैं उनके पास कोई होल्डिंग नहीं है उनको भी इसमें, अगर वो भी इसमें निवेश करते हैं तभी जाके कुछ एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट फिलहाल 18 से 19 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 25 रुपये का, ये मुझे दिखता है 1-1.5 साल के अंदर आ जाना चाहिए। और 8 से 10 रुपये के बीच में एक इसकी बाइंग जोन बनता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है। 8.25 रुपये के नीचे जब ये क्लोज हो गया तो ये समझ लीजिएगा फिर इस स्टॉक में कब चलेगा या नहीं चलेगा कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ भी निकल के आ रही है, वो भी देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, 16 तारीख का डेट का है। इसमें अंदर देखिए 19 तारीख को इनकी कोई मीटिंग वगैरह होने वाली है इन्वेस्टर के साथ, तो हो सकता है मीटिंग के बाद कुछ अच्छा आउटपुट निकल जाए। प्रोबेबिलिटी है, मीटिंग वगैरह होती है तभी कुछ आउटपुट आएगा ना, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आउटपुट निकल जाए, कोई बड़ा इन्वेस्टर के साथ जुड़ जाए, जैसे फिलिप कैपिटल का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा दोस्तों, सिंपल सी बात है, अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ पर सब फंसे हुए हैं, सब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए और मैं बाहर निकल जाऊँ, इसी का वेट कर रहे हैं, इसीलिए स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा। हर एक लेवल पर सेलिंग आ जा रही है, बट न्यूज़ अच्छी आ जाए, बिजनेस अच्छा कर दे, तभी प्रॉबिलिटी है कि आगे बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा व्यू था। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है दोस्तों टेलीग्राम का, वहाँ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मैं उसके अंदर 0 to Hero एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर भी करता हूँ, सो वो भी आपको मिलेगा। ज्वाइन करके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।